सो ही गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन अवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब के सब बढ़िया होंगे। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं आप सभी का फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में आज है हमारा सेकंड डे। फर्स्ट डे हमने काफी अच्छा सर्वाइव किया था, जिसमें कि हमने एक माइन के अंदर गए थे, वहां पे हमने काफी सारा कोल इकट्ठा किया और वहां पे हमने कोबाल्ट स्टोन यानी कि स्टोन के काफी सारे वेपन्स भी बनाए थे, जैसे कि स्टोन की पिकैक्स, स्टोन का एक्स। लेकिन गाइस, जैसे ही रात हुई तो भाई रात के टाइम में न जाने कौन ही चोर आया और वहां पे भाई मेरे सारे के सारे सामान को मेरी चेस्ट के अंदर से भाई सारा का सारा चोरी कर लिया। मेरे को भाई उसके बारे में पता नहीं है कि यार आखिरकार वो था कौन। तो आज मेरे को दोबारा से सारे के सारे वेपन्स बनाने होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। आप ये देखो भाई, कितना सारा कोल भाई गेम के स्टार्टिंग में, भाई जहाँ पे भाई मेरा बेड है उसके साइड में इतना सारा कोल है। सो यार यहाँ पे मेरे को टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफी सारा कोल है, इससे मैं दोबारा से टॉर्च बना लूंगा। सो यहाँ पे मैं सारे के सारे कोल को इकट्ठा कर लेता हूँ। लेकिन गाइस, जरूर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे ही दोस्तों यार मैं अपने बेड से थोड़ी दूर आया तो यहाँ पे भाई मेरे को काफ़ी सारा कोल भी देखने को मिल गया था। मैंने सोचा क्यों ना यार भाई, जब फ्री का सामान इतना ज़्यादा मिल रहा था इसको जल्दी से इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कोबाल्ट स्टोन और यहाँ पे काफ़ी सारा कोल इकट्ठा कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता है यार कोल का यूज़ करके हम टॉर्च बना सकते हैं और यहाँ पे बोन फायर भी जला सकते हैं। सो चलो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को और भी ज़्यादा कोल, भाई जितना मैं खोदते जा रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पे मेरे को कोल मिल रहा था, यानी कि भाई आज तो फुल पार्टी हो रही है पे हमारी। सो यहाँ पे मेरे भाई जैसे थोड़ी सी और साइड में चला मेरे को और कोल मिल गया। भाई कितना ज्यादा कोल है यहाँ पे, भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार इतनी इजीली यार माइनक्राफ्ट में मेरे को इतना ज्यादा कोल मिल जाएगा। भाई यार हम स्पॉन ही ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे यार हमें इतना ज्यादा कोल देखने को मिल रहा है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि यार मेरा गेम ना थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है भाई, यार ये नहीं पता किस कारण से लैग कर रहा है, लेकिन मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ इसको ठीक करने की। सो यहाँ पे भाई वो भाई पानी में क्या चीज है भाई, मेरे को ये ऑक्टोपस जैसा लग रहा है, लेकिन यार ऑक्टोपस हो नहीं सकता भाई, क्यों भाई हो भी सकता है भाई पक्का नहीं पता मेरे को। सो यहाँ पे भाई मेरे को और काफी सारा भाई इतने ज्यादा कोल का मैं करने क्या वाला हूँ। 30 कोल हो चुके हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कितने ज्यादा कोल। भाई मेरे को ना क्या करना है कि इसके अंदर ही चलते हैं। और ये देखो भाई चारों तरफ यार इतना ज्यादा कोल है भाई, 35 कोल हो चुके हैं और यहाँ पे 40 कोल हो चुके यार। मैंने मैं क्या करूंगा मैं इसका। सो यहाँ पे गाय आप सभी देख सकते हो भाई, अब रात का भी टाइम हो चुका, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को वापस चलना चाहिए अपने बेड के पास, नहीं तो यार इतने सारे मॉब्स आएंगे वो मेरे को यहीं पे मार देंगे। सो चलो हम चलते हैं अपने बेड पे और यहाँ पे सो जाते हैं और हम अपनी सेकंड नाइट को भी यहाँ पे जल्दी से भाई पूरी निकल चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम आ चुके हैं वापस से और यहाँ पे देखो भाई मैंने काफी सारे कोल और यहाँ पे कोबाल्ट स्टोन भी इकट्ठा कर लिया था। सो अब मैं उसको काफी सारे वेपन्स और यहाँ पे यूजफुल चीजें बना लेता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक भाई फर्नेंस बनाई थी और फर्नेंस को जलाने के लिए भाई मेरे पास लकड़ी नहीं थी, तो यहाँ पे काफी सारी मेरे को लकड़ी भी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से काफी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे से भाई पेड़ों से तोड़ ली और भाई और भी काफी ज्यादा मेरे को भाई बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत है, क्योंकि गाइस तुम्हें भी पता है यहाँ पे काफी सारे वेपन्स बनाने होते हैं या फिर चेस्ट बनाने होंगी। सो उसके लिए यार मेरे को काफी सारी लकड़ी चाहिए, तो मैंने यार एक बार में काफी ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर ली, यार बार बार कौन आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने काफी सारी लकड़ी ऑलमोस्ट इकट्ठा कर लिया, मेरे को देखना पड़ेगा भाई कितनी ज्यादा लकड़ी होने वाली है। सो यहाँ पे भाई चलो अपनी क्राफ्टिंग टेबल को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं 90 प्लस और यहाँ पे ओक प्लैंक्स बना सकता हूँ, भाई काफी ज्यादा मजा आएगा। पर यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 2 स्टैक हो चुके हैं यार यहाँ पे ओक प्लैंक के, और यहाँ पे मैंने 2 भाई यहाँ से चेस्ट बना ली, क्योंकि मेरे पास ना जितना भी सारा अड़ंगा होगा या फिर सामान होगा यूजफुल मैं उन्हें अलग अलग चेस्ट में रख दूंगा। और यहाँ पे मेरे को काफी सारी स्टिक भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 20 स्टिक यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये लीजिए यहाँ पे मैंने 20 स्टिक्स बना लिए और यहाँ पे भाई मैं 12 के समथिंग यार यहाँ पे ये भाई स्टिक बना लेता हूँ, ये टॉर्च बना लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टोल्स की ना टॉर्च की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है जब मैं माइन के अंदर जाऊँगा माइनिंग के लिए। और यहाँ पे एक मैं श्राउड बना लेता हूँ और उसी के साथ में एक पिकैक्स और यहाँ पे एक एक्स भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस तो जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरे सारे के सारे वेपन चोरी हो गए भाई, जितने भी मैंने बनाए थे न जाने किस चोर ने मेरे यहाँ से चोरी कर लिए। सो इसके लिए मेरे को दोबारा से बनाने पड़ गए। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चेस्ट, अबे यार मेरे को चेस्ट नहीं, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल रखनी है। सो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ और चलो अब मैं जाके सबसे पहले अपने बेड के साइड में क्राफ्टिंग टेबल लगाऊंगा, क्योंकि यार वो दिखने में ना काफी अच्छा लगता है। सो उससे पहले यहाँ पे मेरे भाई चेस्ट में जितना भी सारा सामान है ना, बल्कि मेरे पास
सो इसको सारे के सारे सामान को भाई मैं अलग अलग कर देता हूँ, मेरे को जो यूजफुल है उन सारी चीज़ों को मैंने नीचे लगा दिया है। सो चलो अब यहाँ पे मैं एक फर्नेस रख देता हूँ, और यहाँ पे वो भाई ये क्या है, इस साइड में काफ़ी उंडी सुरंग है, लेकिन ये भाई ये स्टार्ट होने से पहले ही बंद होगी। सो इसको ना मैं पूरी की पूरी को कवर करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो यहाँ पे मैंने अपनी फर्नेस, और यहाँ पे चेस्ट भाई चेस्ट नहीं, यहाँ पे मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख दी, तो यहाँ पे मैंने एक अपनी चेस्ट रखनी है और उसमें सारे के सारे सामान को मैं रखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि गाय चार, यहाँ पे मैं दो चेस्ट रख देता हूँ, एक इसके नीचे और यहाँ पे एक दूसरी, तो मैं दो दो का यूज़ करके क्या करूँगा कि एक में मैं अपना सारा का सारा ख़राब सामान और दूसरे में मैं अपना सारा यूजफुल सामान रखने वाला हूँ। भाई ख़राब तो क्या ही है यार, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यूजफुल होने वाली है। सो यार यहाँ पे मैं एक ही चेस्ट के अंदर ये सारे का सारा सामान डाल देता हूँ, और यहाँ पे जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, अपनी इन्वेंट्री में रखने वाला हूँ, और सारा सामान अपने चेस्ट में रख देंगे। सो यहाँ पे मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि एक तो यहाँ पे फर्नेस है मेरे पास, इसमें मैं भाई खाना बनाने के लिए रखने वाला हूं, उसी के साथ में यहां पे मेरे को एक भाई कोल की जरूरत। अबे यार कोल मैं कैसे भूल सकता हूं, यहां पे चलो अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं, और यहां पे सारी की सारी कोल्स को यहां पे लगा देते हैं। और एक फर्नेस से यार यहां पे काम नहीं चलने वाला, यदि हम एक एक फर्नेस से काम करेंगे तो भाई यहां पे काफी टाइम लगने वाला है। सो यहां पे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि यार यहां पे मैं दो फर्नेस बनाने वाला हूं। तो चलो अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहां पे ओपन करते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करने के बाद यहां पे जल्दी से एक और मैं फर्नेस बना लेता हूं। यहां पे मैंने बना ली, और इसको मैं कहाँ पे रखूँ भाई, मैं ना सोच रहा हूँ इसके ऊपर ही रख देते हैं, लेकिन लेकिन यार यहाँ पे ये तो भाई फर्नेस ओपन हो जाती है, तो यार यहाँ पे इसे थोड़ी पीछे रखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे भाई मैंने एक और फर्नेस रख दी, और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ये सारा का सारा रोज चिकन रख देता हूँ। और अबे यार यहाँ पे मेरे को भाई सारा का सारा कोल तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो अब क्या करिए, तो यार ये खाना तो पक चुका है। अबे यार मैं ना क्या करता हूँ कि इसी के अंदर ये सारा का सारा रोज चिकन और यहाँ पे जितना भी कोल है ना यहीं पर डाल देते हैं, और इसी को पका लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये काम कर दिया है, और अब चलो यार थोड़ी पेट पूजा यहाँ पे कर ली जाए, तो जल्दी से मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। और यहाँ पे भाई मेरा पेस्ट ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है, तो आज हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, तो चलो यहाँ पे भाई मेरे सामने ना काफी सारा मेरे को ये कोल दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे पास 41 कोल भी है, तो यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और कोल यहाँ से इकट्ठा कर लूँ। सो चलो इसको जल्दी से यहाँ से मैं माइन कर लेता हूँ। भाई ये सारा का सारा कोल ना काफी ज्यादा काम आने वाला आगे, मेरे को सारा पता है। सो यहाँ पे चलो इसको भी यहाँ पे जल्दी से इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और अब चलते हैं आगे थोड़ी दूर, और यहाँ पे देखते हैं भाई मेरे को ना एक भाई आयरन चाहिए। आयरन वो एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज करके हम ना काफ़ी सारे वेपन्स बनाने वाले हैं अपने लिए, काफ़ी हाईटेक वेपन। और यहाँ पे भाई एक ब्लैक और एक वाइट शिप मेरे को दिख रही है, तो चलो इसको जल्दी से मारते भाई इस भेड़ को। अबे यार देखो गाइस मैंने दो बार में इसको मार दिया यार, काफ़ी अच्छा वेपन है मेरे पास। और मेरे को ना भाई अब जरूरत है एक आयरन की, आयरन से हम आयरन के वेपन बनाएंगे, उसके लिए अपनी कवच भी बनाएंगे भाई, चेस्ट बनाने वाले, हेलमेट, और यहाँ पे जूते, और यहाँ पे मेरी तलवार भी बनाने वाले। सो यार वो ना हम इस वीडियो के मतलब कि इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करने वाले, यानी कि पार्ट थर्ड में करने वाले हैं। सो आज की ये वीडियो यहीं तक, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सेकंड पार्ट के लिए यार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे को भाई गेम इतना अच्छे से नहीं खेलना आता, बट यार मैं ट्राई कर रहा हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।